शुक्रवार को काठाफोर थाना अंतर्गत ग्राम भेसुन की तीन नाबालिग बालिकाओं की कुएं में गिरने से मौत हो जाने के दो दिन बाद भी पूरे गांव में शोक छाया हुआ है। कई घरों में तो चूल्हे भी नहीं जले हैं। तीनों के परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल हो रहा है। आपको बता दें कि शुक्रवार दोपहर 3 बजे के लगभग बकरी चराने गई संध्या पिता रामविलास उम्र 13 वर्ष, इशिका पिता नरेंद्र उम्र 8 वर्ष, साधना पिता कचरू उम्र 10 वर्ष की कुएं में डूबने से मौत हो गई थी। ग्राम पंचायत भेसुन के सरपंच मनोज मीणा ने बताया कि शासन के नियमानुसार तीनों मृत बालिकाओं के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। शुक्रवार के दिन ग्राम भेसुन में बहुत बड़ा हादसा दर्दनाक हुआ है, जिसमें तीन आदिवासी बेटियां बकरी चराने खेत पर गई थी, कुएं पर पानी पीने गई थी, तीनों के पैर फिसलने से मृत्यु हो गई। पूरे गांव में जैसे ही सुना, पूरे गांव में शोक की लहर चल गई, पूरे गांव में मातम छा गया और परिजनों के भी रो रो करके तीनों परिवार का बहुत बुरा हाल है। पूरे गांव में दुख की लहर ऐसी चली कि दो दिन तक गांव में किसी के यहाँ चूल्हा तक भी नहीं जला। इसी के साथ शासन की पानी से डूबने से शासन की योजनाओं के 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे तीनों परिवार को और 5-5 हज़ार रुपये अंत्येष्टि के भी दिए जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।